ये इनका जजीरा है नासो, ये डिज्नी का क्रूज खड़ा है, डिज्नी विश। यार इन गोरों का मसला ये है कि इनका नाश्ते हर चीज़ मीठी, अपना इंग्लैंड की क्वीन है यही इनकी क्वीन थी। तो भाजी ये लाहौर की अनारकली, मुल्तान की हुसैना गाई। अस्सलाम वालेकुम। लो जी हम उठ गए हैं, आँख तो सुबह 7 बजे की खुली हुई है, हिलता है थोड़ा थोड़ा रहा है रात को, लेकिन ये कि अब हमें जल्दी जल्दी निकलना है और जाके बहामास हम पहुंच गए हैं। दरवाज़ा आपको खोल के एक मिनट दिखाता हूँ। ये इनका जजीरा है नासो और ये बड़ा एक मशहूर होटल है, इसका नाम है अटलांटिस। तो बस हम निकलते हैं क्योंकि हमें 9:30 बजे अगली फेरी पकड़नी है आइलैंड जाने के लिए। लो जी अब आपको हॉल का ये लंबा हिस्सा दिखाते हैं। ये जी विंड जैमर आ गए, यहाँ तो रश ही बड़ा है भाई। जी वो कहते नहीं पहले हाथ धोए जी। वो देखो जी आप हाथ धोए और टिश्यू पेपर ले लें, ड्राई करें, वो सबके हाथ धुलवा रहे हैं रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले। अब बूफे की जगह शुरू हो गई। आगे इनके बीन्स पड़े हैं, दूसरे अंडे पड़े हैं, ये स्क्रैम्बल्ड एग विद मशरूम्स हैं। पेस्ट्रियाँ शेस्ट्रियाँ पड़ी हैं, बस यही ले ला के अभी हम जल्दी जल्दी फारग हो जाते हैं। तो ये रेस्टोरेंट पूरा ऐसे गुलाई में ही सारा रेस्टोरेंट है। ये आ गए बाहर हम बहामास में और ये डिज्नी का क्रूज खड़ा है, डिज्नी विश, ये बिल्कुल नया शिप आया है। लो जी ये रॉयल कैरेबियन खड़ा है और ये डिज्नी का विश खड़ा है। लो जी एक और कहानी हो गई। वो हम लोग लेट आए, हमारा ख्याल था हर आधे घंटे बाद बोट जा रही, मैंने कहा जी एक ही बोट थी जो 9:30 चली गई और हमारा तो वहाँ पे वो
पैकेजेस भी लिए हुए थे डॉल्फिन चॉल्फिन के साथ स्विमिंग करने के, वो सारा एक फू खाते में जा रहा है। अब जाते हैं बात करते हैं गेस्ट सर्विसेज से, देखें क्या कहते हैं ये। 11 बजे डिज्नी की बोट जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं आप रॉयल कैरेबियन के, हम डिज्नी रॉयल कैरेबियन वाले को डिज्नी वाले कह रहे हैं हम लेके नहीं जाएंगे, कर लो बात। चलें जी अब कोशिश करते हैं। तो जी हमारे साथ हैंड हो गया, हम लोग 15-20 मिनट लेट हुए हैं, वो बोट चली गई हमारे, क्योंकि कोरोना से पहले ये बोट सारा दिन चलती थी, अब वो बोट चल ही नहीं रही थी और हम लोग रह गए। हम उधर तो नहीं अब जा सकते, वो जो आइलैंड जाना था, हमने कहा था खाना भी वहीं खाएंगे, हमने कहा भी यहाँ कुछ यहाँ से दोबारा विंड जैमर से कुछ पकड़ते जाएं। अब हम ना नासो के आइलैंड को फिरने जा रहे हैं, तो आइलैंड देख लेते हैं। फिर बच्चे रो रहे हैं जी कि हमारे वो डॉल्फिन रहेगी, अब वो फिर अगली दफ़ा से इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। फिर आप कहेंगे नौमी भाई का वजन कम नहीं होता, यार इन गोरों का मसला ये कि इनका नाश्ते हर चीज़ मीठी, डबल रोटी भी मीठी, फ्रूट भी मीठे, जैम भी मीठे, कोई नमकीन चीज़ ही नहीं। वो हम देसी बंदे हमें होता है यार कोई नमकीन चीज़ हो, तो तभी मैं आया हूँ, मैंने आके ये मिर्चों वाली चटनी डाल डूल के ना आलू की टिक्की पे वो टोस्ट पे डाल के मैंने कहा यही खा जो सारा दिन यही काम चलेगा, शाम को आके खाएंगे आप। फिर आप वो देखो ना क्रूज़ में खाना खाना खाना, ये रायता है, ये अचार है, मिंट चटनी है और अपना मैंगो चटनी, यहाँ पे दाल चावल हैं और दाल चावलों के साथ जो है आलू मटर गोभी, आलू मटर गोभी दाल चावल। चलो जी कुछ तो मिल गया ना, कहानी बन जाएगी हमारी। हम अपना दाल चावल लेते हैं जी, मार्केट में फिरते हैं, फिर देखता हूँ मैं अगर बहामा आइलैंड पे थोड़ी देर के लिए निकल सके, क्योंकि हमें यहाँ पे 4:30 बजे से पहले शिप पे वापस आना है, वरना शिप भी छोड़ के चला जाता है अगर टाइम पे ना पहुँचे ना। मैंने एक दफ़ा देखा हुआ वो मियाँ बीवी भागी जा रहे हैं यहाँ पे, शिप चला गया, अब आप बैठे हैं दूसरे मुल्क में, क्योंकि ये तो बहामास हैं। फिर आप यहाँ से वो अगर पासपोर्ट भी नहीं तो और ही फंस गए आप, वरना यह कि आप जहाज़ लेके अमेरिका तो वापस जा सकते हैं, तो इसलिए कि टाइमिंग का ध्यान मुझे आज समझ आई कि वो हम देसी टाइम किया आज हमने और वो देसी टाइम का नतीजा भुगत लिया है। अच्छा ये जो है अब हम बहामास के आइलैंड पे हैं, ये उनकी छोटी सी मार्केट है उसमें आए हैं। ये जी बहामास का आइलैंड है और 700 आइलैंड में से एक आइलैंड है, 21 बाय 7 मील का ये आइलैंड है। और अब हम यहाँ पे आए हैं, ये क्वीन स्टेप्स हैं, ये जो इनकी अपना इंग्लैंड की क्वीन है यही इनकी क्वीन थी, और ये पुराने ज़माने में ये बनाए गए हैं जी। और वो सुना है कुछ स्लेव्स थे, उन स्लेव्स ने ये सारा हाथ से ये सीढ़ियाँ बनाई हैं, कोई अटैक होना था उस अटैक से बचने के लिए ये बनाए गए हैं। बाकी जो है हम आपको नीचे दिखाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो सॉलिड होती है, पुराना ये दरख्त उगे हुए हैं कई सौ साल के लगता है,
वो मतलब वो दरमियान में जो जगह है उसके अंदर वो ग्रो अप हो गए हैं। ये दो पहाड़ों के दरमियान जगह है, कोने पे भी दरख्त उगे हुए हैं यार। इनकी तो जड़ें तक नीचे है। ये दरख्त देखो जी, वो दरख्त की जो जड़ें हैं वो ओपन हो गई हैं, एक्सपोज जड़ें, और नीचे तक आ रही है। कहाँ तक उसकी जड़ आ रही है, वो जड़ ढूंढ रही है कि पानी कहाँ पे है। मिट्टी मिली नहीं और पौधा खड़ा है जी, फिर भी बड़ी बात। वो कह रहे हैं जी हम बहेमियन बोलते हैं, बहेमियन अंग्रेजी तो बोलते ही बोलते हैं लेकिन बहेमियन जो है वो इनकी ऑफिशियल ज़बान है, वो हमें समझ समझ नहीं आती वो। चलें जी, वो आ गई है हमारी गाइड साहबा। अल्लाह अल्लाह करके हम एक बीच पे पहुंचे। वैसे पानी इसका भी ब्लू लगून जैसा ही है, क्या खूबसूरत पानी है यार। वो सामने जो आइलैंड है वो सैंडल्स वालों का है, वो प्राइवेट आइलैंड है उस रिजॉर्ट का, सैंडल का। हाँ जी, हम पाकिस्तानी और वो भी मुल्तानी, हमारा ख्याल है जितनी मर्जी मिर्ची हम खा लें लेकिन वो जो आम के ऊपर से मिर्चियाँ डाल के नहीं है ना, ओए होए होए होए, ऐसी मिर्चें थी वो, क्या पाकिस्तान में मिर्चें होंगी। वो जहाँ जहाँ मेरे मुंह को लगी है ना, मिर्च बर्निंग कर रही है मेरी स्किन पे भी। मैं अब धो धो के मुँह हाथ धो धो के आया हूँ, हाथ पर भी टच है तो हाथ को भी बर्निंग हो रही, इतनी तेज़ मिर्च थी। तो अब हम ये आए हैं स्ट्रॉ मार्केट, ये यहाँ की। तो यहाँ पे सारे जो यहाँ बहामास की लोकल हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं वो होती हैं, ये देखें खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें लकड़ी की बनाई हुई हैं इन्होंने। भाजी ये लाहौर की अनारकली, मुल्तान की हुसैना गाई, पिंडी में भी कोई ना कोई ऐसा बाज़ार होगा और कराची में तो लाजमी होगा। उनका नाम मुझे नहीं आता, वो नाम आप बता दीजिएगा। लेकिन अच्छा, बेचारों ने हाथ से बनाया हुआ सामान है सारा, टोकरियां हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं। ले जी, हमने ली है जी 20 रुपए की। लो जी, हमारा शिप इधर खड़ा है, अब हम अपने शिप पे जाते हैं। ये तो है डिज्नी खड़ा है जी। बहामा का आइलैंड भी फिर लिया और स्ट्रॉ मार्केट भी देख ली, वर्ल्ड फेमस बहामा स्ट्रॉ मार्केट।
बस ये वेट कर रहे हैं हम जाने के लिए। ये डिज्नी का शिप खड़ा है और ये बहामास का शहर है। आप देख रहे हैं जॉन रैम्बो YouTube चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।